प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। वैसे तो मुझको अपना परिचय आप लोगों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ है, फिर भी नए मित्रों के लिए मैं बोल देता हूँ। आप लोगों को जो सहयोग प्यार आप लोगों से मिल रहा है, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप करते रहिए। दोस्तों, आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि कोई भी कमेंट किसी भी वीडियो के बारे में करने से पूर्व पहले मेरे वीडियो मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। अगर आप लोगों का वीडियो से संबंधित कोई कमेंट है तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा आप लोग का उत्तर देने के लिए। अगर आप लोग अपने कुंडली के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको कुछ फीस अदा करना पड़ेगा, वो मुझसे संपर्क करके मेरा फीस पूछ लेंगे। बहुत से मित्र कमेंट में तीन भाव चार भाव का फल पूछते हैं, उसके लिए तो आपको फीस देना पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ उससे कोई प्रश्न है तो मैं आपको फ्री में जवाब दूंगा। इसके लिए आप लोग समय हमसे ले लिया करिए, जो समय मैं कहूँगा उस समय आप संपर्क करिए। आज आपके लिए एक वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, शनि का प्रत्येक लग्न से क्या है प्रभाव। आज मैं आपको शनि का प्रभाव 12 लग्न के बारे में बतला रहा हूँ। शनि एक भाव ग्रह है, शनि एक प्राक्रमिक ग्रह है, शनि एक उद्योग पति ग्रह है, शनि एक प्रशासनिक ग्रह है, शनि एक राजा के समान सुख देता है, शनि दुख भी देता है। शनि को बहुत बदनाम किया गया है, मगर शनि सब भाव में खराब नहीं होता है। आज आप लोग सुनिए किस लग्न में शनि क्या प्रभाव देता है। जिस सज्जन के मेष लग्न में शनि बैठा हुआ, जिसका मेष लग्न उसमें शनि अगर बैठा है तो ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, ऐसे लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग की सोच गंदी हो जाती है, ऐसे लोग का कैरियर डैमेज होता है। जिसके कुंडली में वृषभ लग्न हो उसमें शनि बैठा हुआ, ऐसे लोग व्यापारी विचार के होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, अच्छी धन कमाते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं। जिसके कुंडली में मिथुन लग्न है उसमें अगर शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, समाज में पूजे जाते हैं और उदार भावुक होते हैं। जिसके कुंडली में कर्क लग्न है, कर्क लग्न में अगर शनि बैठा हुआ है तो अक्षमातिक ये पद की प्राप्ति कराता है, प्रशासनिक अधिकारी बनाता है और राजनीति में भी सफलता दिलाता है। जिसके कुंडली में सिंह लग्न है उसमें शनि अगर बैठा हुआ है, दोस्तों ऐसे लोगों की शिक्षा बर्बाद हो जाती है, करियर बर्बाद हो जाता है और सोच भी इनकी गंदी हो जाती है, ऐसे लोग जीवन में संघर्ष। जिसके कुंडली में कन्या लग्न हो उसमें अगर शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग को होश संभालते ही शत्रु अधिक हो जाते हैं, केस मुकदमा में फंस जाते हैं, केस मुकदमा झगड़े की वजह से जेल जाने की संभावना बनती है और इनको मानसिक पीड़ा होती है। जिसका तुला लग्न हो उसमें शनि बैठा हुआ, क्या बात है, महिला के योग पति पाती है, पुरुष है तो एक योग्य पत्नी पाता है, कुंवारे लड़का लड़की हैं तो
तो लव मैरिज स्वतंत्र शादी करते हैं, ऐसे लोग व्यापारिक विचार होते हैं, उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोगों को लोहा कोयला मशीन संबंधी व्यापार में सफलता मिलती है। जिसका वृश्चिक लग्न हो उसमें शनि अगर बैठा हुआ है, दोस्तों ये अच्छा नहीं है, ये पारिवारिक जीवन को डैमेज करेगा, स्वास्थ्य को डैमेज करेगा, उदर संबंधी रोग देगा और गंदी आदत पकड़ाएगा, पारिवारिक विवाद कराएगा। जिस व्यक्ति का धनु लग्न होगा उसमें शनि अगर बैठा हुआ है तो नौकरी में सस्पेंड कराता है, व्यापार में घाटा दिलवाता है, लाखों रुपए के ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, बनते काम को बिगाड़ता है। जिस व्यक्ति का मकर लग्न है उसमें अगर शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग कम परिश्रम में करोड़ों रुपया कमाते हैं, ऐसे लोगों को अक्षमातिक धन की प्राप्ति होती है और जीरो से हीरो बनते हैं। इनके पास जीवन में जो कुछ भी धन दौलत रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है। जिस व्यक्ति का कुंभ लग्न हो उसमें शनि अगर बैठा हुआ हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, ऐसे लोग संसद मंत्री बनते हैं, ऐसे लोग कई उद्योग के मालिक होते हैं, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छा धन प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग के संतान भी योग होते हैं। जिस सज्जन का मीन लग्न हो उसमें अगर शनि बैठा हुआ है, इनकी अक्षमातिक धन की हानि हो जाती है, चौथापन इनकी आर्थिक परेशानियों में व्यतीत होता है, कमाए हुए धन विश्वास में बर्बाद हो जाते हैं, परिवार इनका साथ नहीं देता है, संतान से इनका विवाद होता है, संतान से दूरी रहती है। ये छोटा सा वीडियो मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक का आपके बारे में प्रस्तुत किया, इसको आप लोग शांति से सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिए और अगर विशेष अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो थोड़ा आपको सहयोग आज देना पड़ेगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।